हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या सीखेंगे आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा टाइटल है वो देख लीजिए, और फिर अगर मान लीजिए नीचे आप आते चले जाते हैं तो ये टाइटल ऊपर चला जाता है, फिर आपको ये अनुमान नहीं लग पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, या इस तरह का कुछ आपने और भी दे रखा है तो आपको ऊपर के टाइटल का अनुमान नहीं लग पाता है। तो इसलिए हम फ्रिजिंग पेन का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखिए और यहाँ पर चले जाइए व्यू टैब पे, और यहाँ पर आ जाइए आप कहाँ फ्रिज पेन पर, और फ्रिज पेन पे आने के बाद फ्रिज पेन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे माउस से तो अब देखिए ये जो है टाइटल आपका नहीं गायब होता है, तो इसे कहते हैं फ्रिजिंग पेन। ठीक है, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, यहाँ फ्रिज पेन पे चलते हैं और इसे अनफ्रिज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाएंगे आप कि ये जो है अब टाइटल फिर गायब हो जा रहा है। तो अभी क्या करना है हमको, सिंपली यहाँ पे रखना है और फिर तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt फिर W फिर F फिर L। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अब फ्रिज हो गया है शॉर्टकट की मदद से। अब इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये फ्रिज रहेगा, बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी लेकिन ये फ्रिज हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।